Hello everyone, welcome in our favorite channel of Science Padhe. And now in this video we will discuss about the question answers of the chapter 4, that is force and pressure for the class 8 DAV students. और उनके लिए मैं ये सारा सेक्शन ए बी सी डी ई जितने भी क्वेश्चन हैं इस कंप्लीट वीडियो में विद द एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ. और यकीन मानिए कि आज के इस वीडियोस को देखने के बाद फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चंस आपका मिस नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास 8. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम टेक आउट द पेन एंड कॉपीज एंड स्टार्ट मेकिंग द नोट्स. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम सेक्शन ए से. सेक्शन ए में जो हम लोगों का दिया हुआ है वहां से हम लोगों को स्टार्ट करना है ताकि वो कंप्लीट हम कर सकें. तो देखो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना है ये सारी चीजें. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले द टू कंसर्न बॉडीज मस्ट डैश विथ ईच अदर. बच्चों जब भी कोई फोर्स लगने वाली चीजें होती है, फोर्स का मतलब तो सबको मालूम है, पुल और पुश, किसी को धक्का दे दो या किसी को खींच लो, वही तो फोर्स है. जिसको आप धक्का दे रहे हो है ना, पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो, तो किसी भी चीज को पुश और पुल करने के लिए कम से कम दो बॉडीज का इंटरैक्शन होना जरूरी है ना. इंटरैक्शन को आप टच मत समझिएगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि टच में ही ये सारी चीजें होंगी, बिना टच का भी फोर्स लग सकता है, आगे हम पढ़ेंगे. तो बच्चों जब भी कोई फोर्स लग रहा है कम से कम दो बॉडीज के बीच में उनको इंटरैक्ट करना चाहिए. इंटरैक्ट का मतलब एक दूसरे के संपर्क में आना चाहिए, ठीक है. अगर वो एक दिल्ली में हो और एक मुंबई में हो तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना. तो द टू कंसर्न बॉडीज मस्ट इंटरैक्ट, इंटरैक्ट का मीनिंग समझ में आ गया. सो फर्स्ट जो ब्लैंक में होगा वो होगा इंटरैक्ट. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सेकेंड वन, टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल, टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश द रोप. तो बच्चों जब हम वेल से पानी, कुएं से पानी निकालते हैं तो हमें क्या करते हैं, रस्सी को हम पुल करते हैं या पुश करते हैं. इसमें भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों को कि पुल और पुश किसको कहते हैं. बच्चों एक सिंपल सा बात है, आप किसी को भी, आप जब बॉडी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जब आपका हैंड आपके बॉडी की तरफ आता है तो उसको हम पुल कहते हैं, आपके बॉडी से जब दूर जाता है तो इसको हम पुश कहते हैं. ओके, तो एक बार आप खुद से ट्राई करके देख लीजिए. कभी भी अगर आप कभी मॉल्स में जाएंगे घूमने के लिए और वहां के दरवाजे पे लिखा रहेगा पुल, तो चलो सामने हाथ रखो और उस हाथ अपने बॉडी की तरफ लेकर आओ, इसका मतलब आप पुल कर रहे हैं. और बच्चों जब आप अपने बॉडी, अपने हाथों को दूर की तरफ लेके जा रहे हैं, अवे फ्रॉम योर बॉडी, देन इट इज नोन एज अ पुश. तो जब आप रस्सी को खींचते हैं तो बताओ रस्सी आप अपने बॉडी की तरफ खींचते हैं या बॉडी से दूर खींचते हैं, कमेंट करिए. कमेंट करिए वेदर यू आर पुलिंग द रोप और यू आर पुशिंग द रोप. द आंसर विल बी द पुल द रोप, ठीक है. कमेंट जरूर करिए ताकि पता चले कि आप ये समझ रहे हैं या नहीं. ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं. द थर्ड वन, An unbalanced force acting on a moving object may change its dash and its direction. ठीक है, एक और ऑप्शन दिया हुआ है, डैश में दो ब्लैंक दिया हुआ है. तो चलो यहाँ देखते हैं बच्चों, अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है. बच्चों अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ही हो गया कि कुछ ऐसा फोर्स जो जीरो नहीं है, है ना. अनबैलेंस्ड फोर्स जब भी आए अपने दिमाग में रखो कि एक ऐसा फोर्स है जो जीरो नहीं है. अगर जीरो होगा तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा और उसको हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं. जैसे ही अनबैलेंस्ड फोर्स का नाम आए हमेशा माइंड में सोचो इट इज अ नॉन जीरो फोर्स, मतलब उसका वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, है ना. अब जीरो नहीं हो सकता तो वो मूव करेगा ही करेगा. अरे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट जो है उसमें फोर्स अगर लग रहा है और वो जीरो नहीं है, क्योंकि हम लोगों को क्लास 8 में इतना ही पढ़ना है, तो जीरो नहीं है तो वो बॉडी क्या कर सकता है, उसका स्पीड चेंज हो सकता है. मान लो आप साइकिल से कहीं आप मार्केट जा रहे हो और पीछे से किसी ने आके धक्का दे दिया, तो वो भी एक अनबैलेंस फोर्स होगी, आपका स्पीड और ज़्यादा लगे हो जाएगा. तो चेंज इट स्पीड, आपका स्पीड ज़्यादा हो सकता है, या फिर और इट्स डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है. तो इट इज़ अ स्पीड और डायरेक्शन, क्लियर है. चलिए नेक्स्ट वन, फोर्थ नंबर, इन द गेम ऑफ क्रिकेट द बॉल, द बेल्स फॉल व्हेन द बॉल स्ट्राइक्स देम. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ और एंड डैश फोर्सेस. बच्चों क्रिकेट में आप देखते होंगे, आपने देखा होगा विकेट्स के ऊपर में बेल्स रखे रहते हैं, छोटी छोटी वो गिल्लियां होती हैं ना, वो रखी हुई रहती हैं. अब मान लो कि कोई बॉल उससे टकरा गया, यानी बॉल ने फोर्स लगा दिया, तो वो किस तरह का एग्जाम्पल है, ठीक है. कुछ बच्चों में कहेंगे सर ये कॉन्टैक्ट फोर्स भी है, ठीक है. तो कॉन्टैक्ट फोर्स में आपको, आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आते हैं,
है ना। तो आप एक बेस्ट एग्जांपल्स इसमें लिख सकते हैं, बेस्ट ऑप्शंस इसमें लिख सकते हैं, इट इज़ अ अनबैलेंस फोर्स। बच्चों अनबैलेंस फोर्स होगा तो उसका डायरेक्शन जो होगा वो चेंज हो गया, है ना। मतलब बैलेंस होता तो वो जीरो पे था, किसी तरह का बेस जो है वो जीरो पे है, किसी तरह का मूवमेंट नहीं है। जैसे ही किसी ने झटका दिया उस पर अनबैलेंस फोर्स लगा और वो नीचे गिर गया। किसने झटका दिया? बॉल्स ने, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है दिया हुआ है। यस, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर में चेक करते हैं। फिफ्थ नंबर में बच्चों उसी तरह से हम लोग बात करेंगे जो आपका दिया हुआ है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग आवर बॉडी हेयर व्हेन वी ट्राई टू टेक ऑफ अ सिंथेटिक शर्ट इन अ ड्राई वेदर कंडीशंस इज एंड डैश फोर्स। बच्चों यहाँ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। आपने ये देखा होगा कि जब आप कोई सिंथेटिक कपड़ा पहनते हैं और उसको कभी ड्राई वेदर में उसको ओपन करते हैं, है ना, कभी खोलते हैं, तो क्या होता है आपके शरीर के जो हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं, वो लगता है कि सब स्टैंड हो गए हैं, है ना, खड़े हो गए हैं। इवन आपने कभी कभी ये भी देखा होगा जब स्केल को आप अपने सिर के ऊपर रब करते हैं और किसी छोटे छोटे पेपर पीसेस को उठाते हैं तो वो जल्दी से रेज हो जाता है, उठ जाता है। तो ये क्यों होता है, ये कौन सा फोर्स इसमें लग रहा है? बच्चों इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं सिक्स नंबर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स नंबर जो है बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। द एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स हायर एल्टीट्यूड्स, ये वाला लाइन याद रखना है, ठीक है। यानी बच्चों क्या एटमोस्फेरिक प्रेशर का पहले मतलब समझ लो। एटमोस्फेयर का प्रेशर मतलब हवा का प्रेशर, दैट्स इट। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज नोन एज एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब हवा कहाँ है? हमारी धरती के ऊपर है। अब हमारी धरती के ऊपर बहुत किलोमीटर्स ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर हम धरती से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हवा जो है उसका प्रेशर धीरे धीरे कम होते जाता है ना, कम होते जाता है। तो एल्टीट्यूड्स मतलब ऊंचाई पे, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, हम तो धरती पे रहते हैं ना, और यहाँ जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे एयर का प्रेशर या एटमोस्फेयर का प्रेशर डिक्रीज होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। क्लियर है? याद रखना। और जैसे जैसे नीचे आएंगे, कमेंट करिए, फिर क्या हो जाएगा? इट विल इंक्रीजेस। यानी यहाँ वापस अगर हम धरती पे आएंगे तो इसका प्रेशर जो होगा फिर से ज़्यादा हो जाएगा। एक बहुत ही छोटी सी बात, अगर आपको ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि ऊपर जाने पे घटता है या नीचे आने पे घटता है, तो आप एक बात याद रखना, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। मान लो आपके घर में बुक शेल्फ है और उस बुक शेल्फ में आपने एक के ऊपर एक किताब रखी हुई है ना, बुक शेल्फ के ऊपर एक के बाद एक किताब रखी हुई है, तो आप मुझे बताइए सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन से किताब पर लग रहा होगा, द डाउन वन और द अपवर्ड? सबसे नीचे में जो किताब रखी है उस पर ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा या जो सबसे ऊपर रखा हुआ है उस किताब पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा? कमेंट करिए, द डाउनवर्ड बुक और द अपवर्ड बुक। वीडियो को पॉज करिए और फिर कमेंट करिए। एग्जैक्टली, जो सबसे नीचे रहेगा द डाउन वन, जो सबसे नीचे रखा हुआ है उस बुक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, क्योंकि ऊपर से सारे लोगों ने उसको दबा के रखा है। यही काम यहाँ भी है, हवा में हम लोग धरती के ऊपर रहते हैं और धरती से और भी ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड्स में बहुत ज़्यादा एयर रहता है और इसका प्रेशर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने पे वो कम होते जाता है। नोट कीजिए, तो क्लियर है सबको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्टेट ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। चलो ध्यान दो सभी बच्चे, ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बच्चों सबसे पहला जो यहाँ दिया हुआ है वो क्या है, उसमें ध्यान देना है हम लोगों को। ओके फाइन, देखिए चेक कर लीजिए सारे बच्चे, ट्रू और फॉल्स हम लोग शुरू कर रहे हैं और इस ट्रू फॉल्स में बात करते हैं। द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, फर्स्ट वन पहली बात कर रहे हैं, द इफेक्ट ऑफ द फोर्स मे चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। बच्चों फोर्स का इफेक्ट, देखो ये एक साथ पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना, फोर्स जो होता है वो कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। द इफेक्ट ऑफ द फोर्स मे चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। क्या फोर्स का जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट क्या क्या हो सकता है बताओ, फोर्स क्या क्या कर सकता है, इफेक्ट का मतलब उसका क्या प्रभाव हो सकता है। फोर्स स्पीड चेंज कर सकता है, फोर्स जो है वो साइज चेंज कर सकता है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, ये सारा काम कर सकता है। तो इसमें बोल रहा है कि द इफेक्ट ऑफ द फोर्स मे चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। क्या वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है? देखो तो ट्रू, एग्जैक्टली इट इज अ ट्रू, है ना। जैसे मान लो किसी ने आपको फुटबॉल पास किया और आपने अपने पैर से दूसरे डायरेक्शन में दे दिया, यानी आपने भी फोर्स लगाया, इट मींस द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, एग्जैक्टली। नेक्स्ट आते हैं अ फोर्स, सेकंड वन, अ फोर्स हैज टू बी स्पेसिफाइड बोथ इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन।
एग्जैक्टली ट्रू। फोर्स जो है बच्चों वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही टर्म्स में स्पेसिफाइड होता है। अब बहुत सारे बच्चों को ये मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं मालूम, ये जो मैग्नीट्यूड यहाँ लिखा है इसका मीनिंग समझ लो। एक छोटी सी बात बताऊंगा, वहीं से समझ लेना है। जैसे मान लो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो अगर कभी आप अपने मार्केट में कोई सामान लेने जाते हो, सपोज डैट मैंने बोला कि आप मार्केट से चावल लेने गए और वहां पर जाकर आपने बोला कि मुझे आई वॉन्ट अ 1 kg राइस। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, 1 kg, ठीक है। तो बच्चों ये जो 1 है ना, ये जो 1 लिखा हुआ है, इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। यानी मैग्नीट्यूड का मतलब आज के बाद समझ लेना न्यूमेरिकल वैल्यू, जो नंबर्स होते हैं वही मैग्नीट्यूड होता है। तो फोर्स जो होता है बच्चों, उसको मैग्नीट्यूड मतलब उसका कोई ना कोई आपको बताना होगा कितना फोर्स आप लगा रहे हैं। जैसे आपने चावल खरीदे तो आपने बताया कि मुझे 1 kg चावल चाहिए, उसी तरह अगर आप किसी को पुल या पुश कर रहे हो तो आपको बताना है कि कितने जोर से धक्का मारा। ऐसा नहीं कि सर मार दिया धक्का मैंने, ऐसा नहीं हो सकता, कितने जोर से मारा है ना। और कमेंट करके बताइए फोर्स का यूनिट क्या होता है, तभी तो आप बता पाएंगे कितनी जोर से धक्का मारा। जैसे मान लो अगर आपने चावल खरीदा तो आप बताते हो ना कि मुझे केजी में चाहिए, अगर आप दुकान वाले को जाकर बोलें कि मुझे एक चाहिए, मुझे एक चावल चाहिए, तो बोलेगा देखो कुछ बता ही नहीं रहा, एक क्या, एक केजी, एक क्विंटल क्या। मतलब यूनिट बताना जरूरी है। इसका मतलब फोर्स को भी बताने के लिए आपने कितने जोर से धक्का मारा उसका भी यूनिट बताना जरूरी है, अलोंग विद द मैग्नीट्यूड, मतलब वो नंबर भी होना जरूरी है। तो कमेंट करके बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। वेरी गुड, पॉज करिए वीडियो को पॉज करिए। ओके फाइन, मतलब द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन होता है फोर्स। यानी अगर आपसे कोई पूछा जाए कि चलो बताओ आपने मुझे धक्का मारा, हाँ, तो आप कितने तक आप बता सकते हो मुझे धक्का कितना का मारा, तो आप बोल सकते हो सर मुझे ना 20 newton का धक्का मारा। तो बच्चों ये जो 20 है ना, ये हो गया मैग्नीट्यूड और न्यूटन हो गया ये मेरा यूनिट है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है बच्चों, ये लिखा हुआ है इस जगह पे डायरेक्शन, ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखा है डायरेक्शन, मतलब फोर्स जब भी लगेगा आप किसी ना किसी डायरेक्शन में उसको लगाएंगे। अगर आप किसी चीज़ को खींच रहे हो या किसी को धक्का दे रहे हो, क्या उसका डायरेक्शन फिक्स्ड है? बता दोगे ना कि हाँ भाई किस डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं। अगर मान लो कोई आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है और पीछे से आपने और धक्का मार दिया, तो बता उसका डायरेक्शन किस तरफ रहा? ईस्ट की तरफ ही रहा, जा रहा था और पीछे से आपने मारा, तो बेचारा वो बॉडी है वो ईस्ट की तरफ ही चला गया। मतलब डायरेक्शन भी होगा फोर्स का, जिस तरह मैग्नीट्यूड होता है उसी तरह डायरेक्शन भी होता है। इसीलिए फोर्स को दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ही एक्सप्रेस करना चाहिए। सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये याद रखिएगा क्योंकि क्लास 9 में फिर आपको यही टर्म मिलेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। और बच्चों जो चीज़ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें दोनों होता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यानी आज के बाद कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी, तो आप बोल सकते हो इट इज अ वेक्टर, फोर्स जो होगा वो होगा वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों जो वेक्टर क्वांटिटी होगा वो क्या होगा? इट इज़ अ विच कैन बी एक्सप्रेस बोथ इन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, क्लियर। चलिए ये सब आगे पढ़ेंगे आप, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स क्या नॉन कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल है? नो, इट इज एन एग्जाम्पल नॉन कॉन्टैक्ट, बिल्कुल नहीं, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल, सही करना भी मालूम होना चाहिए, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन तभी होगा जब दो बॉडी एक दूसरे को फिजिकली कॉन्टैक्ट में होंगे, है ना। जैसे आप ठंडे के मौसम में आप अपने हाथों को रगड़ते हैं तो रगड़ने के लिए दोनों को टच करते हैं ना, यानी कॉन्टैक्ट करते हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि आप अपने हाथों को दोनों को दूर दूर रख लीजिए और फिर आप फ्रिक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, पोर नंबर, अ गैस फिल्ड बैलून मूव्स अप, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट स्मॉलर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज द डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स। एक गैस बैलून है जिसमें बैलून है जिसमें गैस भरा हुआ है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो द अपवर्ड फोर्स जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है एक्टिंग ऑन इट इज स्मॉलर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या उसका जो फोर्स है वो ग्रेविटी से कम है? दैट इज द डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स। इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, नहीं, उसका फोर्स जो है वो कम नहीं है। कम होता अगर ऊपर जाने वाला फोर्स कम होता तो बॉडी नीचे आ जाता, लेकिन ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है ना, स्मॉलर लिखा है, देखो यहाँ स्मॉलर यानी ज्यादा है, तभी तो वो ऊपर की तरफ जाए। देखो ये फोर्स को समझने के लिए ना ऐसे हमेशा समझो कि मान लो कि दो आपके घर में दो भाई हैं और किसी एक चीज़ के लिए दोनों लड़ाई कर रहे हैं, दोनों एक ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, जिसमें ज़्यादा ताकत होगा वो उसकी तरफ जाएगा, दैट्स इट।
ठीक है, सिर्फ खींचना है, मारना मत। ओके, तो अब ये जो गैस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा तभी तो ऊपर की तरफ जा रहा है, खींच रहा होगा ऊपर में उसका गैस। ओके फाइन, तो इट इज अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट करते हैं, वी कैन रिड्यूस द प्रेशर ऑफ ए गिवन फोर्स बाय इंक्रीजिंग द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार आपको मिलेगा, ध्यान देना है इसमें, ठीक है, इस बार हमेशा ध्यान देना है। तो इसमें आप लोग ध्यान दो बच्चों कि वी कैन रिड्यूस द प्रेशर, हम लोग जो प्रेशर होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस द प्रेशर, ये लाइन याद रखना, रिड्यूस प्रेशर को रिड्यूस करना मतलब कम करना, ऑफ अ गिवन फोर्स बाय इंक्रीजिंग द एरिया, किसी भी प्रेशर को कम करने के लिए उसके एरिया को बढ़ा दिया जाता है, उसके एरिया को बढ़ा दिया जाता है जहां पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो एक बच्चे को खड़ा कर दिया जाए और बच्चे को बोल दिया जाए सो जाओ, अब आप देखोगे जो बेचारा बच्चा खड़ा है उसको बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है पैरों में, है ना, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब देखो वो खड़ा कैसे है, अपने पैरों के ऊपर, और पैर का जो एरिया है वो बहुत ही कम है। अब दूसरा बच्चा क्या है, वो सोया हुआ है, लेटा हुआ है, यानी उसका सिर, उसका पीठ, उसका पैर पूरा एरिया टच है आपके जमीन पे, यानी एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया और उसको किसी भी तरह से प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती। तो एरिया बढ़ाना है तो प्रेशर कम कर देना है, ठीक है, क्लियर है, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हम लोगों का सिक्स नंबर, इनसाइड अ बॉटल फिल्ड विद द वाटर प्रेशर एट लीस्ट एट द बॉटम एंड द ग्रेटेस्ट एट द प्रेशर इज लीस्ट एट द बॉटम एंड द ग्रेटेस्ट एट द सर्फेस ऑफ वाटर। बच्चों ये फॉल्स स्टेटमेंट है, कैसे इसको समझेंगे जरा समझिए, ध्यान से आप देख लीजिए। यहाँ बोला है कि कोई एक बॉटल है, मान लो ये मेरा बॉटल या ग्लास मैंने बना दिया, ठीक है, प्रेशर इज लीस्ट एट द बॉटम, प्रेशर कम है, मान लो इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है और ये पानी का जो प्रेशर है सबसे बोल रहा है नीचे में कम है, और ग्रेटेस्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर, ज़्यादा जो है वो ग्रेटेस्ट मतलब ज़्यादा ज़्यादा ऊपर में। बच्चों ऐसा कैसे हो सकता है, पानी तो पूरा ऊपर से नीचे भरा हुआ है ना, ऊपर से नीचे समझो कि एक तरह से ये हवा का जैसा ही है ना, नीचे में अगर कोई है, नीचे में अगर कोई रहेगा तो ऊपर से प्रेशर सबसे ज्यादा नीचे, मतलब यहां पर मैक्सिमम प्रेशर, यहां पर मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर, और यहां पर लीस्ट प्रेशर, लीस्ट प्रेशर। तो बच्चों आप समझ लो एक तरह से लीस्ट प्रेशर, ठीक है, तो आप समझ एक तरह से कि लीस्ट प्रेशर कहाँ होता है, ऊपर की तरफ। आपके वही सेम एग्जाम्पल बुक शेल्फ की तरह याद रखना है ना, आप अगर एक के ऊपर एक बुक रख रहे हो तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन से बुक को मिलेगा, नीचे वाले को या सबसे ऊपर वाले को, नीचे वाले को, यानी इस लिक्विड में भी जो सबसे नीचे की तरफ लिक्विड है उसमें ज्यादा प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर लगेगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है प्रेशर इज लीस्ट एट द बॉटम, तो प्रेशर ये गलत स्टेटमेंट है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर हो गया सबको, चलिए अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट में। टेक द करेक्ट ऑप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। व्हेन द टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल एंड अपोजिट then these forces do not move the object but may cause a change in its shape। बच्चों जब दो तरह से फोर्स लग रहा हो जो कि बराबर हो, है ना, दो आदमी हैं और दोनों एक ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, रस्सी को मान लो खींच रहे हैं, और दोनों की ताकत एक जैसी है, एक जैसी है, तो क्या वो रस्सी कभी मूव करेगी, नहीं ना, यानी बिल्कुल सही, वो रस्सी मूव नहीं करेगी। लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी ताकत कुछ ज़्यादा ही हो तो वो रस्सी टूट जाए, है ना, या उसका शेप जो होगा वो चेंज हो सकता है, तो इट इज़ अ इट इज अ फोर्थ वन। इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों ये हमारा फोर्थ वन होगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में देखिए आप लोग, द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ सम ऑफ द वेल नोन फोर्सेस, है ना, और इसमें बोला है आउट ऑफ दीज द कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर, आउट ऑफ दीज द कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर, इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है बच्चों। कॉन्टैक्ट का मतलब दो बॉडी एक दूसरे को टच करना चाहिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में तो टच नहीं करता, बॉल ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आता है, कोई रस्सी पकड़ के तो नीचे नहीं खींच रहा ना, मतलब वो टच नहीं है। मस्कुलर फोर्स बिल्कुल, अगर आप अपने मसल से काम करते हैं तो किसी ना किसी को टच करने की जरूरत है, यानी बी नंबर तो होना ही है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट अगर कोई फोर्स लगाता है तो उसमें टच होने की जरूरत नहीं, बहुत दूर से ही उसको अपने तरफ खींच लेता है। और लास्ट में बच्चों फ्रिक्शनल, मतलब बी और डी, फ्रिक्शनल फोर्स को भी करने के लिए आपको टच करना जरूरी है। तो देखो बी और डी गए हैं ऑप्शन में, बिल्कुल है, ये रहा बी एंड डी, मिला सबको बी एंड डी, दिस इज द राइट ऑप्शन। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। रोहिणी इज पुशिंग अ बॉक्स टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन, द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, ओके, विद द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, और इस जगह पर देखो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ खींच रही है विद द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, टू हेल्प हर मूव द बॉक्स फास्टर, हम
चाहें कि उसकी मदद करें कि बॉक्स और भी तेजी से मूव करें ऑन द सेम इन द सेम डायरेक्शन, मतलब वेस्ट की तरफ जा रही है तो वेस्ट ही की तरफ करेंगे। तो हर फ्रेंड, उसकी जो दोस्त है वो क्या करेगी, मान लो ये रहा कोई बॉक्स, मान लो इधर से इधर धक्का दे रही है, तो उसकी जो दोस्त है वो क्या करेगी, क्या इधर से धक्का लगाएगी, क्या इधर से धक्का लगाएगी, मान लो इधर मैंने कर दिया ए साइड से या फिर बी साइड से, कहाँ से लगाएगी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में जाना है। कमेंट करके बताइए ए साइड या बी साइड से। तो देखो यहां पर ऑप्शंस के हिसाब से देखना है, पुश द बॉक्स इन द वेस्ट डायरेक्शन विद अ फोर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही। यानी ये अगर अगर वो उसकी फ्रेंड जो है ये रोहिणी जो फोर्स लगा रही थी, तो ये रोहिणी जिस तरफ से भी फोर्स लगा रही है उसी तरफ से, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। तो देखो ऐसा ऑप्शन कहां पर है, ये वाला, पुश द बॉक्स इन द वेस्ट डायरेक्शन विद अ फोर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, हल्का सा भी वो यूज करेगी फोर्स। मैग्नीट्यूड मतलब, कमेंट करिए, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर ऊपर में, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, एग्जैक्टली, यानी 4 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, कितना का फोर्स लगा रही है। ओके गुड, चलिए तो ये वाला थर्ड ऑप्शन सही है, नेक्स्ट मूव करते हैं। चलो बच्चों ये तो बहुत ईजी है, अ कंटेनर इज फील्ड, समझ में आ रहा है सबको ना, वेरी गुड। अ कंटेनर इज फील्ड विद द वाटर एज शोन इन द फिगर, एक कंटेनर है बच्चों, इसमें पानी भरा हुआ है। अब क्वेश्चन यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेशर ऑफ वाटर इन दिस, अब वाटर का जो प्रेशर, इसमें जो पानी भरा है उसमें प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ होगा, वही बुक वाला याद करो, बुक में जो सबसे नीचे बुक होता है उसको ज्यादा प्रेशर लगता है। तो देखो यहाँ कौन सा पॉइंट नीचे है, ए वाला देखो यहाँ, बी वाला यहाँ, सी वाला, सबसे नीचे में कौन पॉइंट है, सी, फिर कौन है, बी, और लास्ट में कौन है, मतलब वन नंबर पे सी हो जाएगा, टू नंबर पे बी हो जाएगा और थ्री नंबर पे ए। तो सी में सबसे ज्यादा, ये देखो ये ऑप्शन, ज्यादा का साइन मालूम है ना सबको, देखो ये वाला ऑप्शन, प्रेशर एट सी ज्यादा, प्रेशर एट बी यहाँ, फिर प्रेशर एट ए, सी में सबसे नीचे पॉइंट है इसलिए उसका प्रेशर ज्यादा लगेगा। ओके क्लियर है सबको, फाइन, वेरी गुड। चलो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बच्चों जो आगे की तरफ जाएंगे वो कुछ इस तरह का, इस तरह का इंटरफेस हम लोगों को मिल रहा है, सेम चीज। अब यहां पर बता दो, एन एम्प्टी बॉटल है ना, फाइव नंबर में हम लोग बात कर ले रहे हैं ताकि ये क्लियर हो जाए, फाइव नंबर, एन एम्प्टी बॉटल, बॉटल हैज टू बी प्लेस्ड ऑन अ टेबल सो दैट इट एक्सर्ट्स द मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम पूछा है, प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ टेबल। अब आप बताओ मुझे, अब आप बताओ फटाफट, अब आप मुझे बताओ, ये तीन साइज दिया हुआ है ना, यहां पर तीन साइज है, ये पोजिशन ए, पोजिशन बी, पोजिशन सी, मतलब समझ लो कि एक आदमी को सीधा पैर की तरफ खड़ा कर दिया है, एक आदमी को पैर से खड़ा कर दिया है, एक आदमी को सिर के बल खड़ा कर दिया, एक आदमी को सोने के लिए बोल गया, तो एरिया किसका बढ़ गया, कमेंट करो, पोजीशन सी में बढ़ गया, बी में बढ़ गया या ए में, प्रेशर बताना, जहां भी प्रेशर की बात होगी एरिया चेक करो किसका एरिया ज्यादा है। देखो इसका एरिया इतना बड़ा है, इस जगह पे ध्यान दो, कॉन्टैक्ट एरिया, इसका एरिया इतना छोटा है, और इसका एरिया देखो यहां से यहां तक है पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब एरिया सबसे ज्यादा पोजीशन सी में है। तो क्या बोल रहा है कि एरिया जिसका ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, तो यहाँ किसका प्रेशर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इट एक्सर्ट्स द मैक्सिमम प्रेशर, बच्चों मैक्सिमम प्रेशर कब होगा, जब एरिया कम होगा, एरिया कम सबसे ज्यादा किस में है, ए में, बी में या सी में, बी में, तो बी वाला एरिया आंसर सही है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, गुड फाइन। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ सी नंबर, सी नंबर में हम लोग मूव करते हैं बच्चों, सी नंबर में आप चेक करो, सी नंबर में हम लोग चेक करते हैं, इसमें जो दिया हुआ है वो है हमारा, मैं एक बार लिख लेता हूँ, यस दिस वन, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर विद इट्स नॉजल केप्ट अंडर वाटर एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू स्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, इफ वी देन रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर। मतलब बच्चों आपने देखा होगा एक ड्रॉपर जो बच्चों को कभी कभी में डालने के लिए या इंक भरने के काम में आता है, उस ड्रॉपर को जब हम किसी लिक्विड को फिल्ड करते हैं तो सबसे पहले उसकी उसको प्रेस करते हैं ताकि अंदर की जो हवा है वो बाहर निकल जाए। अब अगर आपने किसी पानी के बॉटल में डाला और फिर उसको हवा निकाला और फिर उसको छोड़ा तो वो पानी फिर अंदर आ जाता है, वो पानी अंदर क्यों आता है, द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, अंदर क्यों आ रहा है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है समझिए, प्रेशर ऑफ वाटर इन द कंटेनर, वेट ऑफ द बल्ब, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही है। तो बच्चों देखो जनरली बच्चों को कन्फ्यूजन होता है ये वाला ऑप्शन में और ये वाला ऑप्शन में, प्रेशर ऑफ द वाटर इन द कंटेनर, किसी बर्तन में अगर वाटर है तो उसका प्रेशर, जी नहीं बच्चों, वो जो प्रेशर लगा हुआ है वाटर के अंदर वो भी एटमोसफियर के अफेक्ट में है,
ठीक है, यानी आप जो पानी किसी बर्तन में लिए हैं उसके ऊपर भी तो एटमोसफेयर है, यानी जब तक एटमोसफेयर उसको धक्का नहीं लगाएगा, प्रेशर नहीं लगाएगा, तब तक वो अंदर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब द आंसर विल बी द एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। याद रखना बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए गिवन रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दिस बॉक्स इज फिल्ड, कहाँ गया? दिस बॉक्स इज केप्ट ऑन द ग्राउंड इन द थ्री डिफरेंट वेज वन बाई वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाई दिस बॉक्स ऑन द ग्राउंड। चेक करके देखना, आप चाहें तो अपना पेंसिल का जो बॉक्स आता है, अगर आप पेंसिल पूरे पेंसिल खरीदते हैं तो उसका एक बॉक्स मिलता है आपको, या फिर आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है ना, उससे भी आप कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि जिसका एरिया कम है, यहाँ पर पूछा प्रेशर एक्सर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉक्स। प्रेशर कौन ज्यादा एक्सर्ट करेगा या प्रेशर कौन कम एक्सर्ट करेगा? तो बच्चों यहाँ सब में देखो, मुझे नजर आ रहा है मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, ठीक है, और यहाँ रिमेन्स द सेम। तो मैक्सिमम वाले को हम ज्यादा ध्यान देंगे। तो मैक्सिमम कब होगा जरा कमेंट करिए, व्हेन द प्रेशर विल बी मैक्सिमम। जब भी मैं प्रेशर के बारे में पूछूं, एरिया को सोचिएगा, एरिया जहां कम होगा वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। तो बच्चों देखो, ये थर्ड ऑप्शन एकदम सही लग रहा है। द प्रेशर एक्सर्टेड इज मैक्सिमम व्हेन द ब्रेथ एंड हाइट साइज फॉर्म द बेस। जब आप ब्रेथ और हाइट को जैसे मान लो ये रहा एक बॉक्स, देख लो, मैं बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा क्यूबॉइडल में बना देता हूँ ताकि आप क्लियर से समझ लें। देखो बच्चों, ये हो गया लेंथ, ठीक है, ये हो गया ब्रेथ, यहाँ ब्रेथ, और ये हो गया हाइट। तो ब्रेथ और हाइट को जब आप इसको खड़ा करके रखोगे मतलब कुछ ऐसा, देखो यहाँ ये कुछ ऐसा रख दोगे, है ना, इस तरह रख दोगे, ठीक है। तो ये लंबा वाला लेंथ था और इधर वाला जो था छोटा वाला, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया ब्रेथ, और ऐसे जो खड़ा था इस साइड में खड़ा था, ये हो गया हाइट। तो ब्रेथ और हाइट को जब आप साइड साइड रखोगे, ये दोनों जब साइड साइड है, साइड्स का मतलब हो गया अगल बगल, इसी को मैंने उठाकर ऐसे रख दिया, इसको उठाकर मैंने ऐसे रख दिया, तो जब ब्रेथ और हाइट एक दूसरे के साइड में है तब इसका एरिया कम हो जाता है, और जब एरिया कम हो जाए तो प्रेशर ज़्यादा, यानी थर्ड ऑप्शन मेरा सही है। क्लियर है? तो ये थर्ड ऑप्शन मेरा सही होगा। मूव कर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, अब आते हैं डी सेक्शन में। डी सेक्शन में आप चेक कर लो कि क्या होगा। डी सेक्शन में आप देखो, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग फोर्स, आल्सो स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझना है। देखो बच्चों, पहला है स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। आप नींबू को थोड़ा दबाते हो अपनी उंगलियों से और उसका जूस बाहर निकलता है। इसमें एजेंट बताना है और इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बताना है। बच्चों इफेक्ट ऑफ फोर्स तो तीन चार ही है ना, क्या, जैसे चेंज इन शेप, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन स्पीड, बस उसी को इसमें बताना है और उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आ रहा है ये बताना। देखो तो मैंने दो तरह से लिखा, एजेंट भी लिखा, इफेक्ट भी। एजेंट कौन कौन काम कर रहा है? एजेंट का मतलब जो ये काम कर रहा है, जो ये फोर्स लगा रहा है। तो चलो जल्दी से बताओ, आप अगर स्क्वीज कर रहे हो, स्क्वीज मतलब इस तरह प्रेस करना है ना, दबाना नींबू को, तो बच्चों कौन कर रहा है? आप, द फिंगर्स ऑफ ए पर्सन, जो आदमी है उसकी उंगलियां वो काम कर रहे हैं। इफेक्ट क्या होगा? चेंज इन शेप, नींबू का शेप चेंज हो जाता है, आपने देखा है, और उसके चलते क्या होता है, बाय विच लेमन जूस कम्स आउट। यस, तो ये नोट कर लीजिए, इजी लग रहा है। चलिए अब आते हैं बी नंबर में। यस, अब बी नंबर से हम लोग चेक करते हैं क्या होगा और वहां से हम सवाल करते हैं। अ पर्सन डाइविंग इन टू अ स्विमिंग पूल, बच्चों एक पर्सन स्विमिंग पूल के अंदर कूद गया, इसमें एजेंट कौन है और इफेक्ट कौन है? तो देखो, एजेंट है पर्सन, जो आदमी कूदा वो एक एजेंट है, और इफेक्ट क्या किया? द मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ द पर्सन चेंज, उस पर्सन का जो मोशन था यानी जो उसकी गति थी वो चेंज हो गई और डायरेक्शन भी चेंज हो गया, तो मैं वो खड़ा था बाद में वो अंदर की तरफ चला गया, ठीक है। नेक्स्ट वन सी नंबर, अ लेबरर मूविंग अ लोडेड कार, कोई एक लेबर है जो काम करता है और वो एक गाड़ी को खींच रहा है, तो इसमें बताना है कि वो एजेंट कौन है और इफेक्ट क्या हुआ उस फोर्स का। तो एजेंट बच्चों लेबरर, जो लेबर है वो एजेंट है, और इफेक्ट क्या हो गया? चेंज इन मोशन, शुरू में वो गाड़ी खड़ी थी, है ना, जिसको खींच के ले जाया जाता है, और जैसे ही वो खींचना शुरू किया वो मूव करना शुरू हो गया, मतलब उसका मोशन चेंज हो गया। नेक्स्ट वन डी नंबर, अ कार कमिंग टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना है। एक कार का इंजन आपने बंद कर दिया, अब बंद कर दिया तो कार जो है वो रेस्ट में आ गई। कार कमिंग टू रेस्ट मतलब इंजन के बंद होने से कार रेस्ट में आ गई। अब इसमें फोर्स कौन है, ठीक है, तो बच्चों एजेंट कौन है ये ध्यान देना है। एजेंट कौन है इसका? कार को रोकने में कौन हेल्प किया?
तो कार, अगर मान लो कि गाड़ी बंद हो जाए, इंजन बंद हो जाए, लेकिन कार मूव भी कर सकती है, ये जनरली होता है फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड, है ना। आप देखते हो ना, कभी कभी ब्रेक फेल हो जाता है तो कार थोड़ी दूर जाके अपने आप रुक जाती है। तो क्या उसका ब्रेक लग जाता है? बिल्कुल नहीं, इंजन तो बंद रहता है। तो फिर क्या होता है, यानी उसका जो रोड का जो सरफेस है, उसका टायर का सरफेस है, वो एक दूसरे को रोकते हैं, एक दूसरे के मोशन को स्टॉप करते हैं, ठीक है। यस, फिर इफेक्ट क्या हो गया इसका, चेंज इन स्पीड, सो डेट कार स्टॉप, जो कार स्पीड में आ रही थी उसका रुक गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। जो कार आ रही थी वो स्टॉप हो गई। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट में। एन एथलीट मेकिंग अ जंप टू क्लियर अ बार केप्ट एट अ सर्टेन हाइट। कोई एक एथलीट है जो लॉन्ग जंप हाई जंप करते हैं, है ना, और उसने एक बार को क्लियर किया। हाई जंप वाले को मालूम है ना कि एक रॉड रखा रहता है, उसके ऊपर से कूदना पड़ता है। बताओ इसमें एजेंट कौन है? एथलीट जो है, जो प्लेयर है वो है, एजेंट हो गया। क्या किया उसने? उसने उस बार को कंप्लीट किया। बार का मतलब देखते होगे ना, ऐसा करके रॉड के ऊपर एक लगा रहता है, इसके ऊपर से कूदना होता है इस तरफ, यही चीज है। तो क्या हो गया, चेंज इन स्पीड टू क्लियर अ सर्टेन हाइट। एक बार कूद के देखना, आप जितने स्पीड से आते हो उतने स्पीड से रुकना पड़ता है थोड़ा सा, यानी अचानक से आपका स्पीड चेंज हो जाता है और उसके बाद ही आप वहां से जंप देते हो। तो क्या हो गया, चेंज इन स्पीड टू क्लियर अ सर्टेन हाइट, क्लियर। ओके, चलिए मूव करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट में देखो, सेकेंड नंबर, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट नॉन जीरो फोर्स। ध्यान देना बच्चों, नेट नॉन जीरो फोर्स, नेट नॉन जीरो, अभी अभी मैंने आपको ऊपर में बताया था, नॉन जीरो मतलब अनबैलेंस फोर्स। सो इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। बच्चों जब अनबैलेंस्ड ही हो गया, यानी वो जीरो है ही नहीं, तो क्या उसका स्पीड सेम होगा? कभी कभी नहीं, यानी वो स्पीड चेंज भी कर सकता है। अनबैलेंस मतलब पीछे से कोई धक्का देगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, या फिर घट भी सकता है अगर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। तो नॉन जीरो फोर्स का मतलब होता है अनबैलेंस फोर्स विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब अगर कोई रुका हुआ है तो उसको मोशन में ला देगा, अगर कोई मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक जगह खड़े हैं और पीछे से कोई आपका साथी आकर आपको धक्का देता है, तो जब आप बच्चों खड़े थे तो आप स्टेट ऑफ रेस्ट में थे और पीछे से उसने फोर्स लगा दिया, यानी अनबैलेंस फोर्स हो गया, ठीक है, क्योंकि फोर्स कुछ ना कुछ है। इसका मतलब आप मोशन में आ गए, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट किस में चेंज हो गया? स्टेट ऑफ मोशन में। अच्छा, अगर आप मान लो साइकिल से जा रहे हो और सामने से आपका दोस्त बाइक लेके आया और आपके साइकिल के सामने धक्का लगा दिया, तो आप क्या थे? हो गए रेस्ट में हो गए, यानी शुरू में आप क्या थे? मोशन में थे, लेकिन जैसे ही वो फोर्स लगाया आप रेस्ट में आ गए। सो इसका मतलब एक कांस्टेंट स्पीड में जाना, अगर एक अनबैलेंस फोर्स कहीं काम कर रहा है, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज द अनबैलेंस फोर्स कैन चेंज द स्पीड और डायरेक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट, अनबैलेंस फोर्स जो होता है बच्चों वो स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और इसी के चलते कोई भी नॉन जीरो फोर्स लगने वाला कभी भी कॉन्स्टेंट स्पीड में ट्रैवल नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो इसमें कुछ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, सबको मैंने बता दिया है, इसको नोट कर लीजिए। द थर्ड वन, इट इज अ बैलेंस्ड एंड द अनबैलेंस फोर्स। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। डिस्टिंग्विश करना है तो जरूर एक कॉलम बना लीजिएगा, इस तरह एक लाइन खींच लीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। बैलेंस फोर्स का यहाँ है और ये अनबैलेंस फोर्स। पहला है, द पेयर ऑफ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। बच्चों याद रखना, बैलेंस फोर्सेज में मैग्नीट्यूड और इक्वल होता है और डायरेक्शन अपोजिट रहता है। नेक्स्ट वन, द पेयर ऑफ फोर्सेज डेट आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द नेट रिजल्टेंट ऑफ द बैलेंस फोर्स आर जीरो। यानी याद रखना, बैलेंस फोर्स में जो फोर्स होता है, दो फोर्स जब काम करेगा तो उसका जो नेट रिजल्टेंट होगा, नेट रिजल्टेंट वो जीरो होगा, जबकि अनबैलेंस फोर्स में नॉट जीरो। बच्चों नॉट जीरो को ही हम नॉन जीरो फोर्स, जो अभी अभी हम लोगों ने ऊपर में क्वेश्चन देखा, वो एक ही चीज है। आगे बढ़ते हैं, द बैलेंस फोर्स में चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट नॉट द स्टेट मोशन। बैलेंस फोर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता, लेकिन अनबैलेंस फोर्स में ये जरूर मूव कर सकता है। अनबैलेंस फोर्स कॉजेज द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलिए मूव करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी देख लीजिए। सो द फोर्स विच एक्ट्स ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट आर इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये सब मैंने बता दिया है। मस्क्यूलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आप क्या बता सकते हो? द फोर्स विच एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, टच नहीं होना चाहिए। कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर एग्जाम्पल्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स द व्हाट हैपेंस टू स्पीड व्हाइल इट इज फ्लाइंग। मान लो एक बॉल को आपने ऊपर फेंका, क्या होता है उस बॉल को? तो बच्चों आप देखते होंगे, जब वो बॉल ऊपर फेंक
क्यों, वो एक कुछ हाइट तक जाने के बाद वहां रुक जाता है और फिर वापस आपके हाथों में आ जाता है। मतलब जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है उसका स्पीड कम होते जा रहा है। अगर उसका स्पीड कम ना हो तो आप तो यहां से फेंकेंगे और चांद तक पहुंच जाएगा आपका बॉल, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स इट विल मूव अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों वो नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो उसको नीचे खींच रही है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या यह कॉन्टैक्ट में है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में है, कमेंट करके बताइए। ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कमेंट में लिखिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ डैश फोर्स, बताइएगा कौन सा नाम है, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ द बॉल विल डिक्रीज, मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो धरती अपनी तरफ खींच रही है उसके चलते बॉल बेचारा उतना ऊपर नहीं जा पाता। और एक सर्टेन हाइट तक जाने के बाद, क्योंकि आपने भी तो ताकत लगाया था, तो आपकी ताकत कुछ व्यर्थ ना जाए इसके लिए बॉल आपके आपका सम्मान रखने के लिए थोड़ा हाइट तक जाता है। लेकिन धरती की ताकत कुछ ज़्यादा ही है इसके चलते वो उसको खींच लेती है और धीरे धीरे उसके स्पीड को कम कर देती है और फाइनली वो बॉल आपका नीचे आ जाता है। क्लियर है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना है। देखो ये फिगर दिया हुआ है, द फिगर शोज अ मैन विद अ पैराशूट, एक पैराशूट से एक आदमी उतर रहा है। नेम द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डाउनवर्ड मोशन, ऐसा कौन सा फोर्स है जो उसको नीचे उतारने में हेल्प कर रहा है। बच्चों अभी बताओ, कोई आदमी पैराशूट से आएगा तो ऊपर से स्काई से आएगा ना, आसमान से आएगा। अब आसमान से धरती पे आ रहा है तो कौन सा फोर्स उसको खींच रहा है नीचे, कमेंट करिए। बहुत ईजी, अभी अभी ऊपर में हमने देखा था। वेरी गुड, इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, इज इट अ कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, चलिए बताइए जल्दी, खुद ही बोलिए। इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट। ऐसा तो नहीं है ना कि पैराशूट वाले को किसी धरती में रस्सी से बांध के उसको लोग नीचे खींच रहे हैं, नहीं, वो तो पैराशूट बंधा हुआ है जो कि ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इट्स अ ग्रेविटेशनल। नेक्स्ट वन, विल द मैन कम डाउन विद द सेम स्पीड विदाउट द पैराशूट, अगर ये पैराशूट नहीं होता तो जरा सोचो ये आदमी क्या सेम स्पीड में आता जिस स्पीड से वो पैराशूट में आ रहा है। एग्जैक्टली नॉट, क्या होता आप तो समझ सकते हो ना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए आंसर सेम चीज है, वही। इसमें मैं सेकंड पॉइंट पर सिर्फ रिफर करूंगा, बाकी सब आप आंसर आपने खुद ही बता दिया है। देखो द नो द मैन विल नॉट कम डाउन विद द सेम स्पीड, अगर इसमें पैराशूट नहीं होता तो सेम स्पीड में नहीं आता। इट इज बिकॉज द सर्फेस एरिया ऑफ द पैराशूट इज वेरी लार्ज, देखो पैराशूट का जो एरिया होता है ना काफी बड़ा होता है, जिसके चलते वो क्या होता है, इट एरिया ऑफर्स अ हाई रेजिस्टेंस, जो हवा होता है उसको वो रेजिस्ट करता है। एंड रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ ए मैन विद पैराशूट, और इसके चलते जो पैराशूट के साथ आते हैं उनके स्पीड को कम कर देता है। लेकिन अगर विदाउट पैराशूट हो, विदाउट पैराशूट द मैन विल कम डाउन विद मोर स्पीड अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, लेकिन डायरेक्टली उस आदमी को फेंक दिया जाए ऊपर से तो धरती उसको अच्छे से खींच लेगी नीचे की तरफ और उतने ही फोर्स से खींचेगी, ठीक है। इसलिए उसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगा। पैराशूट क्या करता है कि धरती की ताकत को थोड़ा सा कम करता है ताकि हवा के सहारे उसको कुछ रेजिस्टेंस मिल जाता है। रेजिस्टेंस मतलब रोक, ठीक है। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना है बच्चों, यहाँ पर देखो, हाउ वुड द प्रेशर एक्सर्टेड आर चेंज इफ द एरिया इज डबल कीपिंग द थ्रस्ट कॉन्स्टेंट। एरिया, अब तो आपको मालूम चल गया होगा ना कि प्रेशर जो होता है बच्चों, ये देखो ये इन प्रोपोर्शनल का साइन है और 1/a इसको पढ़ते हैं बच्चों, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी इन्वर्सली का मतलब समझिए, प्रेशर अगर ज़्यादा होगा ना तो एरिया कम होगा और एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। इन्वर्सली का मतलब यही है। जो बच्चे क्लास 8 में होंगे उनको मैथ्स में डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन पढ़ना है, सेम वही चीज़ यहाँ भी है, ठीक है। प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो एरिया कम होगा, अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। यानी अगर आपको प्रेशर फील हो रहा है तो अपना एरिया बढ़ाइए, ठीक है। अगर एरिया आपका छोटा है तो आपको प्रेशर फील होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है बच्चों कि क्या होगा। सबसे पहले बोला है, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चंस में देखेंगे, द एरिया इज डबल्ड कीपिंग द थ्रस्ट कॉन्स्टेंट। थ्रस्ट क्या होता है बच्चों, थ्रस्ट फोर्स होता है, ठीक है, जब परपेंडिकुलर किसी बॉडी पे लगता है। ओके, तो यहाँ पर देखो आंसर मैंने लिख दिया, प्रेशर विल बी रिड्यूस टू हाफ। आप ये भी आंसर लिखोगे तो आपका काम चलेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन देखो मैंने क्या दिया हुआ, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में देखो इसका हाफ कैसे हुआ, आप देख सकते हो इसमें मैंने क्या लिखा है। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में सिंपली यही लिखा है कि थ्रस्ट को मान लो एफ मान लिए, एरिया को ए मान लिए, तो प्रेशर का फॉर्मूला सबको मालूम है, देख लो, फोर्स बाई एरिया, यानी पी इज इक्वल टू एफ बाई ए, एफ बाई ए, ये जरूरी है। तो अब देखो नीचे में ए है ना, ये देखो नीचे में है और प्रेशर, हमेशा प्रेशर और फोर्स, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा, थ्रस्ट इसी को फोर्स जो है यही थ्रस्ट है, ठीक है, ये थ्रस्ट कांस्टेंट है।
तो क्वेश्चन में देखना वही लिखा हुआ है कि थ्रस्ट जो होगा वो कांस्टेंट है। तो ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए, अब देखो एरिया को डबल कर दिया, अब आप बताओ यानी नीचे का जो एरिया है उसको डबल करते हैं, तो देखो एरिया क्या हो जाएगा, 2 × 2 है, लेकिन थ्रस्ट क्या हो गया, एफ ई होगा, जो ऊपर में थ्रस्ट था वही इसको माना गया। तो इस पी इज इक्वल टू एफ बाय वी को इक्वेशन 1 मान लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करते हैं थोड़ा और देखो, फाइनली अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो सेकंड वाला इक्वेशन बनेगा मेरा P डैश कर देंगे, है ना, ताकि P और P डैश में अंतर समझ में आए। तो F तो मेरा कांस्टेंट है और उसके नीचे एरिया क्या हो जाएगा, देखो यहां मैंने बनाया 2A, तो नीचे में कर दिया 2A, नहीं लिख सकते हैं ना, यस। तो अब इन दोनों एरिया को डिवाइड कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अब देखो आगे बढ़ते हैं, देखो यहां मैंने लिखा है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहां समझो P डैश इज इक्वल टू F बाई A, है ना, ये भी फॉर्मूला होता है, और P F A के जगह मैंने क्या लिख दिया, F by 2A, देखो F by 2A, F by 2, P dash is equal to F by 2A। अब क्या देखो P dash equal to F by A, क्या लिख सकते हैं इसको, ये जो मैंने ऊपर में लिखा है, ये जो मैंने लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, F by A into 1 by 2, क्या इसको मैं, ये जो मैंने F by 2A लिखा है, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, F by A, देखो F by A नीचे लिख दिया और 2 को मैंने नंबर नंबर को अलग कर दिया। और बच्चों यही F by A जो है इसी को तो प्रेशर कहते हैं ना, देखो तो ये वाला अभी मैंने ऊपर में जो बताया था इक्वेशन 1, देखो क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो इसके बदले क्या मैं अब और लिख सकता हूँ, P इंटू 1/2, F by A के मैंने P लिख दिया और 1/2 को लिख दिया, यानी प्रेशर फर्स्ट वाला प्रेशर था और वो उसका आधा हो गया, तो ये आधा हो गया, क्लियर है। तो यही मैंने लिखा लास्ट में, P डैश इज इक्वल टू P इंटू 1/2, ईजी, वेरी गुड, ये एक्सप्लेनेशन था। आप चाहें तो सिंपली इसका आंसर भी लिख सकते हैं, चाहे एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। और बी नंबर में बताओ थ्रस्ट इज डबल, अब थ्रस्ट क्या है, फोर्स, फोर्स को ही थ्रस्ट मानना है, ठीक है। अब थ्रस्ट को डबल कर दिया, सेम क्वेश्चन रहेगा, इसको अपने से ट्राई, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया यहां रहेगा। अब जैसे एरिया में आपने 2 लगाया था, उसी तरह इस बार फोर्स में आप 2 लगाओगे, बस यही अंतर करना है और कुछ नहीं करना, यही अंतर करना है और कुछ नहीं, ठीक है। यानी इस बार थ्रस्ट को डबल करना है, थ्रस्ट को डबल करना है, थ्रस्ट को डबल कर देंगे तो ये काम हो जाएगा। अभी थ्रस्ट को डबल करना था, इससे ऊपर क्या कर किए थे हम लोग, इससे ऊपर क्या किए थे हम लोग, हम लोग किए थे एरिया को डबल, यहाँ पर थ्रस्ट को डबल करना, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, यस एग्जैक्टली। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये भी ध्यान देना कि थ्रस्ट को जब डबल कर देंगे तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, व्हेन विल अ डाइवर, डाइवर मतलब वो जो पानी के अंदर जाते हैं डाइव करके, ड्राइवर मत करना सोचना कि सर ने गलत आंसर, गलत स्पेलिंग लिख दिया है, डाइवर, ठीक है। व्हेन विल अ डाइवर एक्सपीरियंस, व्हेन विल अ डाइवर एक्सपीरियंस अ ग्रेटर प्रेशर, 100 सेंटीमीटर नीचे, मान लो ये एक तालाब है, ये रहा 100 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा और 200 सेंटीमीटर नीचे, अब पानी की बात हो रही है, बताओ प्रेशर सबसे ज्यादा इसमें नीचे वाले वाले को लगेगा या ऊपर वाले को, 200 में लगेगा या 100 पे लगेगा, जाहिर बात है 200 पे लगेगा ज्यादा प्रेशर, वही लिखा हुआ है, देखो चेक कर लो, चेक करो सारे बच्चे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गिवन लिक्विड इंक्रीजेस विद द डेप्थ, सो इन दिस केस द डाइवर एक्सपीरियंस अ ग्रेटर प्रेशर एट 200 सेंटीमीटर, यही बोला है कि प्रेशर ज्यादा कहां लगेगा, इजी लग रहा है, चलिए कर पा रहे हैं खुद से सवाल, बहुत बढ़िया, लगा पा रहे हैं ना सब सवाल खुद से, बहुत बढ़िया, कमेंट करके बताइए कितने बच्चों को ये सारा चैप्टर धीरे धीरे समझ में आ रहा है। चलिए मूव करते हैं सेक्शन ई की तरफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन फोर्स, इज इट नेसेसरी फॉर द टू बॉडीज टू बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर अ फोर्स टू एग्जिस्ट बिटवीन देम, ठीक है, ऐसा बताना है बच्चों, और एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, बच्चों एकदम बहुत ईजी है, तो सब आप जानते हैं, फोर्स का डेफिनेशन लिखना है, 3 क्वेश्चन है इसमें, ध्यान देना एग्जाम में भी बच्चों, ध्यान देना कि जितना क्वेश्चंस पूछा जाए उतना ही क्वेश्चंस लिखना है ना, ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस को ध्यान देना कि कितने सारी चीज़ें वहाँ पूछी गई हैं। तो यहाँ देखो डिफाइन फोर्स पहला, इज इट नेसेसरी फॉर द बॉडीज टू बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर अ फोर्स टू एग्जिस्ट बिटवीन देम, क्या ये जरूरी है कि दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहे तभी फोर्स लगेगा, बिल्कुल नहीं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी तो होते हैं, और एग्जाम्पल भी बताना है। तो देखो वही मैंने लिखा आंसर है ये रहा, अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरैक्शन अनदर ऑब्जेक्ट, इंटरैक्शन का मतलब टच नहीं है ना, मतलब एक दूसरे के संपर्क में होने चाहिए, चाहे वो टच से हो या फिर विदाउट टच हो, है ना, फिजिकल कॉन्टैक्ट के टच में। नो इट्स नॉट नेसेसरी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं यहां से, नो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर द टू बॉडीज टू बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर अ फोर्स टू एग्जिस्ट बिटवीन देम, एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, अ बॉल When upwards comes down on the, बच्चों जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है। दूसरा द टू लाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, अगर दो मैग्नेट का लाइक पोल, लाइक मतलब सेम पोल्स को सामने रखेंगे तो वो रिपेल करेगा, अगर एक दूसरे के दूर भी रहता है तो भी, बॉट फ्रॉम द
ईच अदर रिपल इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस. क्लियर है? गुड. मूव करते हैं नेक्स्ट वन. सेकंड नंबर, स्टेट द थ्री इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. बच्चों सबको मालूम है, गिव सूटेबल एग्जांपल. एग्जांपल भी बताना है क्या क्या एग्जांपल है. इसमें दिया हुआ है फोर्स में कॉज चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. सबको मालूम है स्टेट ऑफ रेस्ट होगा, स्टेट ऑफ मोशन होगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, है ना, ये सारा चीज हो सकता है. तो ये सारी चीजें आप लिख लो. फोर्स में सेकंड वन देखो, फोर्स में कॉज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि तीन एग्जांपल देना है आपको और ये सारी चीजें नोटेड है. फोर्स में कॉज चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल अ फील्डर कैचेस अ बॉल कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस. फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल ऑन स्क्वीजिंग अ लेमन इट गेट्स डिफॉर्म्ड. ओके, चलिए अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री पे. और बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री ही, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो बच्चों ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ना, इस ये थर्ड क्वेश्चन नंबर जो है वो सारे क्वेश्चन एक ही चीज़ के ऊपर बेस्ड हैं, और वो है सिर्फ मेरा प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. बच्चों इसी कंसेप्ट के ऊपर आपका सारा सवाल जो है, जो भी हम लोग अभी ए बी सी जो करेंगे वो सब डिपेंड है. मतलब इसका मतलब पहले समझिए, ये प्रोपोर्शनल का साइन है जो बीच में मैंने किया है, और ये वन बाई ए कहने का मतलब कि अगर प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीजेस, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन द एरिया विल डिक्रीज, और इफ द एरिया विल डिक्रीज द प्रेशर विल इंक्रीज, और वाइस वर्सा. मतलब जस्ट इसका अपोजिट. ठीक है, आप लोगों ने मैथ्स में डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन पढ़ा होगा, और सेम उसी तरह का कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है. तो हम लोग देखते हैं स्नो पहला क्वेश्चन इसका वाला थर्ड नंबर का ए, उसमें क्या दिया हुआ देखिए जरा. स्नो शूज आर द मोर इफेक्टिव देन द ऑर्डिनरी शूज फॉर वॉकिंग ऑन द स्नो. बच्चों स्नो शूज क्या होता है? वो शूज जो आपका, बच्चों स्नो शूज में जो आपका बर्फ के ऊपर जो स्केट्स करते हैं वो वाले शूज के बारे में बात हो रही है. तो जब बर्फ के ऊपर चलना होता है तो हमें स्नो शूज की जरूरत पड़ती है, रादर देन हमारा जो ऑर्डिनरी शूज है अगर हम वो यूज करेंगे तो उतने अच्छे से इफेक्टिवली वॉक नहीं कर पाएंगे. अब जरा सोचो ऐसा क्यों होता होगा. जो स्नो शूज़ होते हैं देखते हो उसका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, मतलब एरिया ज़्यादा हो गया, और एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा. अच्छा प्रेशर लगा कौन रहा है? हमारा बॉडी, क्योंकि हमने उसको अपने पैरों में पहना हुआ है. यानी हमारा जो बॉडी है वो स्नो शूज़ के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, और अगर स्नो शूज़ बड़ा नहीं होगा तो हमारे बॉडी का जो वेट है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा. जो ऑर्डिनरी शूज़ होते हैं वो छोटे होते हैं और वो हमारे पूरे बॉडी वेट को डिस्ट्रीब्यूट इक्वली नहीं कर पाते, इसीलिए हमें बर्फ में चलने में दिक्कत होती. अगर स्नो शूज हम यूज करेंगे तो हम बहुत ही इफेक्टिव वे में चल पाएंगे. तो देखो मैंने वही आंसर लिखा, ये रहा आंसर. स्नो शूज आर मोर इफेक्टिव देन द ऑर्डिनरी शूज फॉर वॉकिंग ऑन द स्नो बिकॉज द स्नो शूज आर कंपैरेटिवली ब्रॉडर देन द ऑर्डिनरी शूज. है ना, ब्रॉडर का मतलब थोड़ा बड़ा होते हैं. एज वी नो दैट द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली का मीनिंग अभी अभी मैंने बताया था, लाइक दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. मतलब यहाँ पर देखो एरिया बढ़ गया है ना स्नो शूज का, जो बर्फ पे चलने वाले जूते हैं उसका एरिया बढ़ गया. एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. समझ में आ रहा है सबको? यस. विच मीन्स दैट इफ द एरिया इंक्रीजेस द प्रेशर विल डिक्रीज. वही चीज़ मैंने जो बताया अभी मैंने लिखा. तो अगर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो जो हमारा बॉडी वेट है, सो द बॉडी वेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्जर सर्फेस एरिया ऑफ द स्नो शूज एंड हेल्प्स टू वॉक इफेक्टिवली ऑन द स्नो. और ये जब हमारा बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कम हो जाएगा उस एरिया पर, तो हमें चलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी. क्लियर है? चलिए मूव करते हैं थर्ड का बी की तरफ. बच्चों सारे क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लगाना है अपने दिमाग का यूज करके. अब देखो जरा सा, पॉटर्स प्लेस अ लार्ज राउंड पीस ऑफ क्लोथ ऑन देयर हेड्स व्हेन दे कैरी हैवी लोड. आपने देखा होगा बच्चों जो कुली होते हैं या जो सब्जी वालियाँ होती हैं वो क्या करती हैं कि अपने टोकरी जब उठाना हो या कोई भारी चीज़ उठाना हो तो अपने माथे के ऊपर में कपड़े का गोल करके रख लेती हैं, है ना, कपड़े को माथे के ऊपर रख लेती हैं. इससे क्या होता है? इससे उन्होंने अपना एरिया बढ़ा दिया. फोर्स कौन लगा रहा है ज़रा बताओ? जो हैवी लोड्स आपने सिर के ऊपर लिया है, उन्होंने जो अपने सिर के ऊपर लिया वो लोड्स बढ़ा रहे हैं. अब उस फोर्स को कम करने के लिए, उस प्रेशर को कम करने के लिए लोड जो एरिया है उसको हम इंक्रीज करते हैं. तो जो कपड़ा हम यूज़ कर रहे हैं या जो पॉटर्स लोग जो कपड़ा यूज़ करते हैं वो उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, हेड और लोड के बीच का जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देता है. और इससे क्या होता है? प्रेशर कम लगता है. प्रेशर कम लगता है तो वो आराम से मूव कर सकते हैं. तो वही लिखा है मैंने देखो, Just place a large round piece of cloth on their heads when they carry heavy loads because by doing this they increases the area. है ना, कपड़ा लपेट के वो क्या कर रहे हैं, सर के ऊपर कपड़ा लपेटते हैं या रखते हैं तो वो एरिया को बढ़ा देते हैं.
And as we know that the pressure is inversely proportional to the surface area, so the pressure on their head gets reduced. इसीलिए जो head का जो pressure होता है वो कम हो जाता है. Otherwise वो अगर वो कपड़ा नहीं लेंगे तो सिर के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा pressure लगेगा. Okay, चलिए move करते हैं C number. चलिए ये तो बहुत common चीज़ है, आपने notice भी किया है. A sharp knife cuts vegetables and fruits more effectively than a blunt knife. बच्चों जो तेज़ चाकू होती है वो बहुत आसानी से, है ना, बहुत आसानी से vegetables और fruits को काट देती है. लेकिन जो ब्लंट नाइफ होता है, ब्लंट मतलब जिसकी धार खत्म हो गई है, वो चाकू का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ता है, है ना, खुद की भी ताकत लगानी पड़ती है. ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों अब आप बताओ, नाइफ की बात हो रही है तो तेज़ धार वाली चाकू है और एक बिना तेज़ धार वाली चाकू, इन दोनों में सरफेस एरिया किसका ज़्यादा, मतलब जिस तरफ से लोग सब्जियां काटते हैं उधर का एरिया चेक करना है. तो आप देखोगे जो धार वाला होगा उसका एरिया कम होता है, यानी वो अपने आप ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करेगा. लेकिन जिसका ब्लंट होता है, जो जिसका धार खत्म हो जाता है, वो प्रेशर को उतना ज़्यादा एग्जर्ट नहीं कर पाता. और इसीलिए शार्प नाइफ से सब्जियों को और फ्रूट्स को काटना बहुत ही आसान होता है, आपने महसूस किया होगा. तो यही चीज़ मैंने लिखा है, चेक करो. एज द एरिया ऑफ द शार्प नाइफ इज लेस देन दैट ऑफ द ब्लंट नाइफ, देयर बाय इट इंक्रीजेज द प्रेशर व्हाइल कटिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. बिकॉज प्रेशर इज inversely proportional to area, so a sharp knife cuts vegetables and fruits more effectively than the blunt knife. तो देख रहे हैं आप ना, तीनों क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, प्रेशर इज inversely proportional to area. सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कहाँ एरिया बढ़ रहा है, कहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, या कहाँ एरिया घट रहा है और कहाँ प्रेशर बढ़ रहा है. क्लियर हो रहा है सबको? वेरी गुड. मूव करते हैं डी नंबर में. डी नंबर में आपने महसूस किया है सारे बच्चे, ये भी आप करते हैं, जब आपका स्कूल खुला हुआ था तो आपने देखा होगा कि आप स्कूल बैग को अपने कंधों के ऊपर लेके आते थे और आपका जो वो स्ट्रिप्स होता है, जो टंगने वाला जो आपने अपने शोल्डर्स में लगाते हैं, वो अगर ब्रॉड ना हो तो आपके शोल्डर्स पे रेड रेड तरह के निशान आ जाते थे, है ना. लेकिन बाद में क्या हुआ, लोग तरह तरह के बैग लेने लगे, बड़े बड़े बैग में बहुत सारी चीज कॉपी किताब को लेकर आना पड़ता था, तो बड़े स्ट्रैप्स वाले जो बैग हैं वो यूज़ करने लगे. आप लोगों ने कुरियर वाले को देखा होगा, अब वो बड़ा सा झोला लेकर आता है और जिसमें उसके जो स्ट्रिप्स होते हैं जो कंधे के ऊपर टांगता है वो बहुत ही चौड़ा होता है और इसके चलते उनको प्रेशर कम लगता है. अब देखो, मैंने बोला कि स्ट्रैप्स चौड़े हैं, मतलब क्या? तो बच्चों सिंपल सा वो चीज़ है कि अगर स्ट्रैप्स बड़े हैं मतलब बढ़ गया एरिया, बढ़ गया तो प्रेशर घट गया. तो जो हम लोग जो भी बुक्स और जो भी सामान कुरियर वाला लेकर आता है उसमें उसका जो फोर्स लग रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इसके चलते आपको आपके कंधों पर कम प्रेशर लगता है. यानी अगले बार से जब भी बैग खरीदने जाओ हमेशा चौड़ा स्ट्रिप्स वाला, है ना, जिसका ब्रॉडर स्ट्रिप्स है वैसा ही बैग खरीदना ताकि आपके बॉडी के ऊपर प्रेशर ना लगे. तो बच्चों देखो इसका आंसर मैंने क्या लिखा हुआ है, सब लोग ध्यान से देखेंगे. आंसर में स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विद द वाइड स्ट्रैप्स, वही चौड़ा स्ट्रैप्स जो होता है, टू कैरी देम बिकॉज एज वी नो दैट द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्टैक्ट एरिया. बच्चों कॉन्टैक्ट एरिया बोलो, सिंपल एरिया बोलो या फिर सर्फेस एरिया बोलो, सबका मीनिंग एक ही रहेगा. दैट इज इफ द कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीजेस, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जा रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो वाइड एरिया, वाइड स्ट्रैप्स विल डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ द बॉक्स ओवर अ लार्जर एरिया, देयर बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन आवर शोल्डर्स. और इसीलिए आपके कंधों पे वो जो भारी वेट लग रहा था, जो प्रेशर क्रिएट कर रहा था, वो अब डिस्ट्रीब्यूट होगा और आपके कंधों पे प्रेशर कम लगेगा. तो अगली बार बैग खरीदने में ये सारी चीज़ें ध्यान दोगे. चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सबका आंसर उसी में आ रहा है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. नेक्स्ट आते हैं. इट इज इजियर टू बर्स्ट एन इन्फ्लेटेड बैलून विद अ नीडल देन डायरेक्टली विद द फिंगर. बच्चों ई नंबर में, मतलब अगर कोई इन्फ्लेटेड बैलून है, आपने बैलून में हवा भरा उसको फुला दिया, अब क्या करना है, उसको आप फोड़ना चाहते हैं नीडल से, एक सुई से फोड़िए और एक कोशिश करो अपने फिंगर से फोड़ने के लिए. कौन सा आप आसानी से फोड़ सकते हैं बताइए? निडल से. अब जरा कंपेयर करो दोनों चीज़ों को, निडल को और आप अपनी अपने फिंगर्स को. अब आप बताओ निडल का सरफेस एरिया ज़्यादा है या फिर आपके उंगली का? कमेंट करिए निडल का सरफेस एरिया ज़्यादा है या आपके फिंगर्स का? एग्जैक्टली, फिंगर्स का सरफेस एरिया ज़्यादा है और निडल का कम है. निडल बहुत एकदम सुई छोटी सी होती है ना, उसका पॉइंटेड एरिया जहाँ से आप बैलून, उंगलियों का जो सरफेस एरिया थोड़ा बड़ा होता है.
तो बच्चों जहां पर एरिया कम वो आराम से प्रेशर लगाएगा, ज्यादा प्रेशर लगाएगा, और इसीलिए हल्का सा चुभने पर भी वो आपका बैलून जो फुला हुआ बैलून रहता है, इन्फ्लेटेड बैलून रहता है, इट गेट्स बर्स्ट। जबकि आप अपने फिंगर से अगर फोड़ना चाहेंगे तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लग पाता और आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। तो मैंने सेम आंसर वही लिखा, देखो एज नेडल हैज अ स्मॉलर सरफेस एरिया, याद रखना नेडल का सरफेस एरिया कम है, सो द फोर्स अप्लाइड बाय द नेडल एट ऑलमोस्ट अ सिंगल पॉइंट लीडिंग टू अ मच लार्जर प्रेशर ऑन द बैलून, सो इट इज ईजियर टू बर्स्ट एन इन्फ्लेटेड बैलून विद अ नेडल दैन अ फिंगर। इसीलिए नेडल से फोड़ने पर बैलून जल्दी फटता है और उंगलियों के मुकाबले। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस। तो अगली बार से बर्थडे पार्टी पर बैलून फोड़ने के लिए नीडल्स को साथ जरूर रखिएगा। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, दैट इज द एफ नंबर, ठीक है। माउंटेनियस में सफर फ्रॉम द नोज ब्लीडिंग्स एट द हाई एल्टीट्यूड्स। बच्चों जो माउंटेनियस होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, उनके नाक से कभी कभी ब्लीडिंग आ जाता है जब वो बहुत ही ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं, ऐसा क्यों? तो बच्चों ऐसा इसलिए, सेम वही चीज प्रेशर, लेकिन इस बार ऊपर जाते समय एटमोस्फेयर का प्रेशर काम करेगा, हवा का प्रेशर। तो बच्चों आपने, आपको मालूम है कि एज वी गो हायर द प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर ये डिक्रीज होता है, कम होता है। अब आपका ये कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हवा का जो प्रेशर है उसको बराबर करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो काम करता है। तो देखिए बच्चों मैंने क्या लिखा है आंसर में, एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर बॉडी इज बैलेंस्ड बाय आवर ब्लड प्रेशर। बच्चों जो हवा का जो प्रेशर होता है वो हमारा ब्लड प्रेशर उसको बराबर रखता है, ठीक है, इसलिए हमें उतना ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता। लेकिन जब हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो एयर प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, एंड इट बिकम्स द लोअर देन आवर ब्लड प्रेशर, और हमारे ब्लड प्रेशर से भी कम हो जाता है। अब हमारे ब्लड प्रेशर से कम होगा तो उस हवा के प्रेशर को बराबर करने के लिए हमारा ब्लड भी अपना प्रेशर को मेंटेन करेगा, और कैसे करेगा? इसी के रिजल्ट में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो हमारा नोज़ का वो फट जाता है, ब्रस्ट कर जाता है, और इसी के चलते नाक से जो ब्लीडिंग होती है वो आने लगती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? इसीलिए माउंटेनियर्स क्या करते हैं, जब भी वो ऊंची जगह समय के लिए ऊंची जगह जाने के बाद वहां रुकते हैं। आपने नाम सुना होगा बेस कैंप्स, है ना, जो माउंटेनियरिंग करने वाले होते हैं वो बेस कैंप्स में कुछ दिन बिताते हैं ताकि उनका बॉडी उस एटमोसफेयर से एडजस्ट हो सके, अडेप्ट कर सके, और फिर वो अपनी, अपना जो ट्रैवलिंग है वो से शुरू कर सके। ऐसा नहीं कि वो एक बार में शुरू कर दिए चढ़ना और अचानक से चढ़ते चले जाते हैं। क्लियर है? गुड, फाइन। चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन। एयरप्लेन्स हैव द प्रेशराइज्ड केबिन्स सेफ फॉर द पैसेंजर सेफ्टी वाइल फ्लाइंग हाई इन द एटमोसफेयर। अब आप बोलते होंगे कि सर जो एरोप्लेन्स उड़ते हैं उनके, वो उनको, उनके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे रहते हैं उन लोगों को ब्लीडिंग फिर क्यों नहीं आती होगी? तो क्वेश्चन में वही बोला है, उनके प्रेशराइज्ड केबिन्स होते हैं। बच्चों जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके केबिन में पैकिंग रहता है और वो प्रेशर को वहाँ मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आसमान में जाकर आप खिड़की खोल के वहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। एज वी नो डैट एट हाई एल्टीट्यूड्स द एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। हवा में जब आप ऊपर जाते हो तो प्रेशर हवा का घटता है, सो द लो प्रेशर कैन बी हाईली अनकंफर्टेबल फॉर द ट्रैवलर्स। जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनके लिए वो दिक्कत होती। तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने एक पैक्ड केबिन्स का इंतजाम किया। ड्यू टू दिस प्रेशर इन द एयरक्राफ्ट केबिन इज इंक्रीज टू अ सफिशिएंट वैल्यू। तो बच्चों आपका जो एयरक्राफ्ट का जो केबिन होता है वहां पर प्रेशर को मेंटेन करके एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर रखा जाता है, सो एज टू सेफ गार्ड द, ताकि वो पैसेंजर्स जो है वो बचे रहें और उनको किसी तरह की ब्लीडिंग ना हो। क्लियर? चलिए तो देखिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर फोर है। अब क्वेश्चन नंबर फोर में पहले समझिए और आप खुद भी इसका आंसर खुद निकाल सकते हैं। टू रॉड्स दो रॉड्स दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से आप देखो इसके आंसर्स को कोशिश करना करने के लिए। टू रॉड्स ए एंड बी ऑफ द सेम वेट, ये रॉड ए है ये रॉड बी है, दोनों का वेट सेम है। और ए बॉय वाइल प्लेइंग विद देम ऑन अ बीच, समुद्र के किनारे रेत में वो एक बच्चा खेल रहा है ना, बीच पे खेल रहा है, एंड वर्टिकली और हेल्ड देम वर्टिकली ऑन द सर्फेस ऑफ सैंड। वो चाह रहा है कि ये दोनों रॉड को सीधा जिस तरह दिया उस तरह वो उसको जमीन के अंदर लगा दे। तो बच्चों क्या करना है वैसे केसेस में, इस सवाल में क्या करना है कि रॉड ए का जो सर्फेस एरिया है देखो ये कम है और रॉड बी का जो सर्फेस एरिया है ये ज्यादा है। तो बच्चों सेम वही चीज़, वही कंसेप्ट, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जिसका एरिया कम होगा वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, मतलब ये ज़्यादा नीचे जाएगा, सिंक ज़्यादा होगा,
और रॉड भी जो है इसका एरिया ज्यादा है, मतलब प्रेशर कम है, इसका मतलब वो लड़का अगर इसको जमीन के अंदर डालना चाह रहा है तो ये थोड़ा सा कम जाएगा। और क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है, विच वन ऑफ देम विल सिंक लेस, सो द रॉड बी विल सिंक लेस बिकॉज द लेस प्रेशर इज अप्लाइड टू दैट रॉड बी। तो चेक करते हैं इसका आंसर क्या है हम लोगों ने। वी नो दैट द प्रेशर वैरीज डायरेक्टली विद द वैरी विद द थ्रस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली विद द एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। For equal amount of force, a smaller area would result greater pressure, hence the rod B will sink less than that of the rod A. And because rod B has the more surface area, क्योंकि rod B का जो surface area होता है वो ज़्यादा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। देखो सारा आंसर जो है वो सिर्फ प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसी के ऊपर कंसेप्ट है। अगर आप ये चीज़ समझ रहे हैं तो आप सारा आंसर खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चंस बड़ा देख के डरने की जरूरत नहीं, जो सिंपल सा कंसेप्ट है वो यही है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। इट मींस अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो एरिया कम होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों देखो इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिया गया है कि एक कंटेनर है और इसमें तीन होल्स दिए हुए हैं। ये वन नंबर होल है, ये टू नहीं, ये थ्री है ना, ए बी सी करके दिया है। अब पानी इसमें भर दिया गया, पूरा पानी भरा है। अब बोला जा रहा है कि आपको क्या ऑब्जर्वेशन नजर आएगा, या सेलो टेप से चिपका हुआ था और जैसे ही सेलो टेप खोलेंगे क्या होगा। तो बच्चों आपको मालूम है वो बुक वाली कहानी, अगर आप बुक को एक बुक को दूसरे बुक के ऊपर रखते जाएंगे कौन सा बुक में ज़्यादा प्रेशर लगेगा, सबसे नीचे वाला या सबसे ऊपर वाला। एग्जैक्टली सबसे नीचे वाला। तो बच्चों ये भी सेम वही चीज़, मतलब प्रेशर सबसे ज़्यादा पॉइंट ए में, मतलब यहाँ से जो पानी निकलेगा वो थोड़ा ज़्यादा दूर गिरेगा। बी पॉइंट से जो निकलेगा पानी वो थोड़ा कम दूर गिरेगा। सी से जो निकलेगा वो और थोड़ा कम दूर गिरेगा, मतलब डिस्टेंस आपका। अगर मान लो इस कंटेनर से डिस्टेंस पहला वाला का 5 सेंटीमीटर तो दूसरा का 4 हो सकता है, तीसरा का 3 हो सकता है। क्लियर है, बस यही मैंने लिखा है, चेक करो। देखो यहाँ वाला आंसर यहाँ चेक करते हैं हम क्या लिखा है। इस तरह देखो, वाटर विल स्टार्ट कमिंग आउट दीज थ्री होल्स, वाटर जो है बच्चों वो इसी होल से निकलना शुरू हो जाएगा। वाटर फ्रॉम द होल ए विल गो टू द मैक्सिमम, जो नीचे होल ए है यहाँ से पानी ज़्यादा दूर तक जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस याद रखना, मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ से, जो सबसे नीचे होल होगा वहाँ पे। प्रेशर इज हाईएस्ट आर क्यू, क्योंकि प्रेशर जो है हाईएस्ट होता है। वाटर फ्रॉम द होल सी विल गो टू द लीस्ट डिस्टेंस बिकॉज ऑफ द लीस्ट प्रेशर, और ऊपर में जो वाटर होगा वो थोड़ा कम दूर जाएगा क्योंकि वहां ऊपर में प्रेशर कम होता है। समझ में आ रहा है सबको, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब यहां पर भी देख के आप बता सकते हो ये क्वेश्चन सेम उसी तरह का है। यहां आपका दो कंटेनर्स है, यहां पर एक कंटेनर और दो होल्स है ना, ए होल है और बी होल है, लेकिन दोनों का हाइट एक ही जैसा है। यहां से अगर 3 सेंटीमीटर तो यहां से भी 3 सेंटीमीटर, मतलब बराबर डिस्टेंस पे है। अब बताना है पानी इसमें भरा है तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशन नजर आएगा। तो बच्चों कुछ नहीं, पानी जो होगा ये भी उतना ही दूर जाएगा जितना ये दूर, क्योंकि सेम हाइट पे होने प्रेशर बराबर एग्जर्ट होता है। ओके तो देखो आंसर मैंने लिखा है, एज द होल्स आर एट द सेम हाइट सो द वाटर विल कम आउट एंड रीच टू द सेम डिस्टेंस बिकॉज ऑफ द सेम प्रेशर ऑन बोथ द वॉल्स ऑफ द प्लास्टिक बॉटल। प्लास्टिक बॉटल का जो हाइट है, जो होल्स है वो सेम डिस्टेंस पे, और इसके चलते वाटर जो होता है वो सेम हाइट पे आता है। क्लियर, चलिए नोट कीजिए इसको। And the last question में यही है, discuss in brief the variation in the atmospheric pressure with the pressure with the altitude and changes in temperature also cause the change in atmospheric pressure। तो question का meaning तो आपको समझ में, तो question का meaning समझ में आ गया होगा आप लोगों को, atmospheric pressure का क्या है। देखो answer क्या है, with the increase in altitude the atmospheric pressure decreases because their air column also decreases। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपका एयर का जो प्रेशर होता है या जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो कम होते जाता है। और बच्चों देखो इसमें एक और क्वेश्चन है, क्या टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ या टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है। बिल्कुल होता है, क्लास 7 में जो हीट चैप्टर आपने पढ़ा था उसमें आपने देखा होगा कि जो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज जो मूव करते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। तो बच्चों जहाँ से हवा उठती है वहाँ पर लो प्रेशर रीजन्स क्रिएट होते हैं, और जहाँ पर हवा पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट रहते हैं वहाँ पर हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होते हैं। तो मैंने लिखा है देखो, यस द चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो कॉज द चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज मेनली ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस विच कॉजेज द विंड्स टू फ्लो। बच्चों आपको मालूम है कि अगर ये मेरा अर्थ है और बीच में इक्वेटर है, यहाँ नॉर्थ पोल है ना यहाँ साउथ पोल, तो आपको मालूम है जो सन की तरफ से जो हीट आ रहा है वो इक्वेटर में थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, इन पे थोड़ा कम आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम आ रहा है, मतलब जो अनइवन हीटिंग होता है कहीं ज़्यादा कहीं कम, इसके चलते ही जो प्रेशर होता है वो कहीं ज़्यादा और कहीं कम होता है। क्योंकि सन की तरफ से जो हीट आ रहा है वहाँ की हवा ज़्यादा गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है, जहाँ से हवा उठी वहाँ पर कैसा रीज़न, लो प्रेशर, लो एटमोस्फेरिक प्रेशर, लो प्रेशर, और बाकी जहाँ पर हवा ठंडी है वहाँ पर कैसा प्रेशर, हाई प्रेशर।
तो बच्चों इसी को ध्यान में रखते हुए, मतलब अगर हीट नहीं होता तो शायद ये नहीं होता, मतलब कि टेम्परेचर के चेंज होने से एटमोस्फेरिक प्रेशर भी चेंज होता है। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आप चाहें तो इसको रोक रोक के देख सकते हैं, और जिसको पूरा कंसेप्ट क्लियर है वो इसको 2.5 के स्पीड में भी देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपके हाथों में है। एक बार में अगर आप वीडियोस लंबा लग रहा है तो एक बार में देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने इसको पूरे कंसेप्ट को समझा दिया है, और इस क्वेश्चन आंसर्स को समझने के बाद आपके पूरे चैप्टर्स के भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सारा चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। टिल देन पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।